गिरिडीह जिले के औद्योगिक इलाकों में अवैध आयरन और फाइंस खप रहा है। इसका खुलासा मुफस्सिल पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 ट्रकों से हुआ है। तस्करी के इस बड़े खेल में अंतर्राज्यीय माफिया शामिल है। इन माफियाओं का रैकेट ओडिशा, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड व बिहार तक फैला हुआ है। इसे लेकर मुफस्सिल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और 5 लोगों को जेल भी भेजा है। पूरी कार्रवाई सदर SDPO अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में हुई है। बीते 7 सितंबर को सूचना मिली थी कि 4 ट्रक में उड़ीसा के नौझर से आयरन और का फाइंस अवैध तरीके से लोड करके लाया जा रहा है और यहाँ के फैक्ट्रियों में खपाया जाता है। उस सूचना का सत्यापन किया गया तो सूचना सही पाई गई। उसमें 4 ट्रकों को जब्त किया गया और उसमें जो और जब उसका जाँच किया गया तो उसमें पेपर संतोषजनक नहीं थे, त्रुटिपूर्ण था और उसमें आयरन और का फाइंस लोड था और उसमें संलिप्त थे जसवंत कौल, अरविंद सिंह, रंजीत पांडे, निरंजन शर्मा, मोहम्मद खालिद और रंजीत गारा। बताया जाता है कि जिन ट्रकों को पकड़ा गया था तो उनमें से एक खाली ट्रक स्वाति नामक लो फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। ऐसे में जिला खनन पदाधिकारी ने स्वाति फैक्ट्री से आयरन ओर का सैंपल लिया है जिसकी जांच कराई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि अन्य ट्रकों में मिले आयरन ओर और स्वाति फैक्ट्री में मिले आयरन ओर में क्या समानता है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद इस दिशा में भी पुलिस की कार्रवाई तेज होगी। फैक्ट्री से बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसके संबंध में फैक्ट्री में जो लोड डंप किया हुआ था फाइंस आयरन ओर का, तो उसको हम लोगों ने चेक किया है और उसमें DMO का भी रिपोर्ट आना बाकी है और जो सुसंगत साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आयरन और तस्करी के मामले में गिरिडीह पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। अब पुलिस उन सफेद पोषों तक पहुंचने की जुगाड़ में जुटी हुई है जो इन माफियाओं को संरक्षण देते रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस उन फैक्ट्रियों की भी तलाश कर रही है जहां तक इस अवैध आयरन ओर को खपाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि जल्द ही गिरिडीह पुलिस इस मामले में और भी खुलासा कर सकती है। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।